मुंबई के महासागरों में पाए जाने वाले अविश्वसनीय समुद्री जीव जिसके पहले नंबर पर आती है हमबैक व्हेल। हमबैक व्हेल दरअसल समुद्र के सबसे राजसी जीवों में से एक है। वहीं हमबैक व्हेल 15 मीटर तक लंबी हो सकती है। अविश्वसनीय रूप से मजबूत और कोमल मादाएं अक्सर खाली पेट अपने बच्चों की देखभाल करते हुए महाद्वीपों के बीच यात्रा करती है। वे अपने बच्चों के प्रति बेहद सुरक्षात्मक होते हैं और अपने बछड़े को तैरना, गोता लगाना और संवाद करना सिखाने में 12 महीने बिताते हैं। इसी के साथ हमबैक व्हेल से जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये है कि एक पूर्ण विकसित हमबैक व्हेल का वजन लगभग 4 हाथियों के बराबर होता है। नंबर 2 पर आते हैं हरे कछुए। समुद्र में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में से हरे कछुए सबसे अधिक मुंबई के आसपास देखे जाते हैं। दरअसल अपने पूर्वजों की तरह वे हवा में सांस लेते हैं और जमीन पर अंडे देते हैं। दरअसल ये बड़े और शर्मीले जानवर अपना दिन समुद्री घास और शैवाल पर चरने में बिताते हैं और सांस लेने के लिए हर 4 या 5 मिनट में सतह पर भी आ जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट भी लगते हैं। इसी के साथ जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये है कि जमीन पर रहने वाले कछुओं की सुस्ती के विपरीत ये कछुए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर भी सकते हैं। नंबर 3 पर आती है डॉल्फिन। असाधारण रूप से करिश्माई डॉल्फिन संभवतः समुद्र में रहने वाले सभी जानवरों में सबसे पसंदीदा है। ये लगभग असंभव है कि आप डॉल्फिन के झुंड को उनके सामूहिक खेल में देखें और आपका दिन उल्लेखनीय रूप से बेहतर ना हो और आपका उत्साह हल्का ना हो। इसी के साथ इससे जुड़ा एक मजेदार फैक्ट तो ये है कि डॉल्फिन खुद को नाम देते हैं। उनके बारे में हाल ही में खोजों में ये पता लगाया गया है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सिटी विकसित की है जो प्रभावी रूप से उनके अपने नाम के रूप में कार्य करती है। वही नंबर 4 पर आती है जेलीफिश। अपने बूंद जैसी जिलेटिन संरचना के बावजूद समुद्र की धाराओं में बहती हुई जेलीफिश अलौकिक रूप से सुंदर हो सकती है। उनके पास अक्सर चमक की रेखाएं होती हैं जो उनके शरीर से चमकती है। कुछ में ऐसे डंक होते हैं जो मनुष्यों के लिए दर्दनाक, यहां तक कि घातक भी हो सकते हैं। यदि आपको कभी जेलीफिश ने काट लिया हो तो एक अच्छी प्राथमिक चिकित्सा रणनीति ये है कि त्वचा पर बचे किसी भी अवशेष को चिमटे की मदद से हटा दें और फिर उस क्षेत्र को घरेलू सिरके से धो लें। वहीं जेलीफिश के साथ जुड़ा एक मजेदार फैक्ट तो ये है कि ये जीव कभी भी जैविक रूप से बुढ़ापे में नहीं मरते, क्योंकि उनमें अपनी कोशिकाओं की वृद्ध कोशिकाओं को वापस युवावस्था में बदलने की असाधारण क्षमता होती है। तभी तो इस जीव को इमोर्टल क्रिएचर भी कहा जाता है। नंबर 5 पर आते हैं फिडलर केकड़े। ये छोटे मोटे केकड़े बम्बई के समुद्र तटों और खाड़ी के किनारों पर पाए जाते हैं। नर हमारी अपनी प्रजाति के नर से भिन्न नहीं होते और मादाओं को आकर्षित करने के लिए अपने बड़े बाइसेप्स का उपयोग करते हैं। आप उन्हें उनके एक बड़े पंजों से पहचान सकते हैं जिसे वे अक्सर ध्यान आकर्षित करने के लिए जमीन पर मारते हैं या अपनी महिला को लुभाने के लिए ही अन्य पुरुषों से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं अन्य केकड़ों की तरह जैसे जैसे उनका शरीर बड़ा होता जाता है वे अपने पुराने खोल को पिघलाते हैं और नए खोल विकसित करते हैं। इससे जुड़ा एक मजेदार तथ्य ये है कि इस पिघलने के दौरान वे उन अंगों को भी पुनः विकसित कर लेते हैं जिनको उन्होंने पहले खो दिया हो। यदि वे लड़ाई के दौरान अपना दिखावटी पंजा खो देते हैं तो वे इसे विपरीत दिशा में फिर से विकसित भी कर लेते हैं। नंबर 6 पर आती है उड़ने वाली मछली। यदि आपने कभी अलीबाग जाने वाली नौका पर बैठकर समुद्र को देखा है तो आप समुद्र के पक्षियों मछलियों के बड़े समूहों को पानी की सतह के ठीक ऊपर उड़ते हुए आसानी से देख पाएंगे। ये छोटी मछलियां आमतौर पर आपकी हथेली से बड़ी नहीं होती हैं और सबसे बड़े मजबूत तेज तैरने वाले शिकारियों के सामने काफी रक्षाहीन होती हैं। इसके अलावा इनकी पूंछ का पंख उन्हें बाहर की ओर धकेलता है और पतवार की तरह काम करता है, जबकि इनके चौड़े पेक्टोरल पंख समुद्र के ऊपर प्रभावी ढंग से सरकने के लिए सतह पर फड़फड़ाते हैं। सतह के नीचे वापस गोता लगाने से पहले वे 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की उड़ान भर सकते हैं। वहीं इसके साथ जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये है कि ये ग्लाइडिंग करते समय लंबी उड़ान भरने के लिए अपने पंख फड़फड़ा सकते हैं। व्यवहारिक रूप से उनकी गति दुगनी हो जाती है, जो कि 60 किलोमीटर घंटे तक की गति तक पहुंच जाती है। तो ये तो थे मुंबई के महासागरों में रहने वाले अविश्वसनीय समुद्री जीव।